हेलो दोस्तों नमस्कार मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लेसमेंट हंड्रेड परसेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो जॉब प्लेसमेंट चैनल मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप ऑल इंडिया की लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन जानने के साथ साथ मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती से लेकर अतिथि शिक्षा की बेहतर एनालिस डीपली जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए चैनल से जुड़ने के लिए आपको फ्रेंड बेलाइकोन को प्रेस करते हुए नीचे जाएँ रेड बटन को जरूर दबा दें जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी तो फ्रेंड्स इस वक्त की मैं आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जिस प्रकार हम देख सकते हैं बड़ी खबर होने वाली है अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है हम देख सकते हैं वर्तमान में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा डीपीआई के निर्देश अनुसार बजट आवंटन आदेश जारी किया गया है हम देख सकते हैं जो सत्र दो हज़ार बीस इक्कीस के लिए पहली बार है जो अतिथि शिक्षकों को हम देख सकते हैं मई और जून का मानदेय दिया जाएगा हम देख सकते हैं कोविड नाइन्टीन के कहर के कारण स्कूल स्थापित नहीं खुले हैं लेकिन अतिथि शिक्षकों ने ऑनलाइन फैंस पढ़ाई कराई करवाई है साथ ही हम देख सकते हैं स्कूलों में रिजेंट के लिए जो भी फ्रेंच प्रोसेस होती है अतिथि शिक्षक भी उसमें कार्य कर रहे हैं साथ ही अतिथि शिक्षक ने फ्रेंच से पढ़ाने का कार्य भी किया है और वर्तमान में देख सकते हैं कि शिक्षा सत्र अभी भी चल रहा है सत्य दो हज़ार बीस इक्कीस इसलिए इसलिए अतिथि शिक्षकों की फ्रेंच सेवाएं अभी भी ली जा रही हैं अतिथि शिक्षकों की सेवाएं के लिए हम देख सकते हैं इससे पहले डी ने आदेश जारी कर दिया था कि जो भी अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनकी फ्रेंच सेवाएं आगे बढ़ा दी गई हैं जब तक नेस्ट आदेश जारी ना हो सके तो अब देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों के इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि अतिथि शिक्षकों के मानदेय के संबंध में से संसद बना हुआ था कि अतिथि शिक्षक का मानदेय कब जारी किया जाएगा जो मई और जून का था तो स्पष्ट है आदेश है, आ, हो चुका है बजट आवंटन हो चुका है जिलेवार सूची में आपको फ्रेंड्स आगे बताऊंगा तो वीडियो आप पूरा देखें अंत तक देखें और साथ ही कौन कौन से अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिलेगा किन को नहीं मिलेगा अतिथि शिक्षकों के लिए जो फ्रेंड्स मानदेय है वो मई जून मानदेय भुगतान करने हेतु तो बजट आवंटन का फ्रेंड्स आदेश जारी किया गया है कि कहाँ कहाँ कितने फ्रेंड्स हम देख सकते हैं बजट पेश किया है कितना बजट बना है जिलेबाई रिपोर्ट है साथ ही अब बजट के आधार पर जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है

पढ़ते हैं विस्तार से देख सकते हो यह आदेश अतिथि शिक्षकों के संबंध में जो बजट पेश किया गया है हम देख सकते हैं गैस फैकल्टी का जो मई और जून का जो मानदेय है इस आधार पर फैंस पेश होगा बजट पेश हो चुका है हम देख सकते हैं इस आदेश को आप भी एजुकेशन पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स आपको वीडियो के में लिंक प्राप्त हो जाएगी जिसके माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लेस को देखते हैं विस्तार से लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा हम देख सकते हैं ये आदेश है जो कि वर्तमान का आदेश है चार जून दो को जारी किया गया है क्रमांक आर एम एस ए अतिथि शिक्षक दो इक्कीस आप देख सकते हैं यह सत्य दो हज़ार इक्कीस और बाईस का आवंटन आदेश किया गया है आवंटन आदेश शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी शाला में शिक्षकों के विषय मान से स्वीकृत पदों में से वर्णित कारणों के रिक्त पदों पर आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के माह मई जून 2021 के मानदेय भुगतान हेतु निम्न अनुसार बजट आवंटन किया गया है तो फ्रेंड्स यह बजट जो आवंटन है हम देख सकते हैं वर्तमान सत्य दो हज़ार से लेकर बाइस जो वर्तमान सत्र चलेगा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी जिसमें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति यथावत रहेंगे इसलिए फ्रेंड्स आवंटन बजट पेश किया गया है स्पष्ट हम देख सकते हैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का यह बजट पेश हो चुका है जिस टेक आप देख सकते हैं ब्लॉक आपके सामने टोटल अमाउंट भी आपके सामने स्पष्ट देख सकते हैं आगार मालवा आप देख सकते हैं पूरा इसमें जो बजट है नॉन ग्लोबल बजट है अब ग्लोबल बजट ना है नॉन ग्लोबल है ये बजट अलग अलग पेश किया गया है हम देख सकते हैं ब्लॉक बाई ब्लॉक है जैसे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो आप बड़ा मलेरा आपके सामने है बजट आपके स्पष्ट आप देख सकते हैं पिक्सल बढ़ा लीजिए यदि पिक्सल में प्रॉब्लम हो आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में पिक्सल बढ़ाकर फ्रेंड्स देख सकते हैं साथी साथ ही नगर ब्लॉक का भी बजट पेश हो चुका है आप देख सकते हैं ऑलरेडी सभी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के उन सभी का फ्रेंड्स बजट पेश हो चुका है स्पष्ट आप निर्णय बिंदुओं में नीचे हम पढ़ते हैं क्या जानकारी पेश की गई है आप देख सकते हैं टोटल जो बजट है अमाउंट है आपके सामने है टोटल हम देख सकते हैं कि इकाई दहाई से लेकर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यह बजट बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं करोड़ों में बजट है तैयार किया गया है तिरसठ करोड़ इकतीस लाख चौरासी हज़ार जो बजट है ग्रांड टोटल आपका पेश किया गया है उपरोक्त हम देख सकते हैं अक्षरीय राशि रुपये तिरसठ करोड़ इक्कीसॉरीफ इकतीस लाख चौरासी हजार मात्र जो बजट है अतिथि शिक्षकों के दो माह का वेतन है उपरोक्त आवंटन शीस हम देख सकते हैं कि आपके किमांक अनुसार दिए गए हैं आवंटन के अतिरिक्त किया जाएगा राशि विकांड का शिक्षा अधिकारी डी कोड में उपलब्ध कराई जाएगी आदिवासी विकास विभाग के विकास खंडों हेतु राशि जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही जो बजट पेश है इसमें हम देख सकते हैं कि जो केवल विभाग के अतिथि शिक्षक हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे उपरोक्त राशि का निम्न अनुसार सत्तों के अनुसार फैंस है भुगतान किया जाएगा आवंटन राशि का उपयोग करते समय संचालनाय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार आहरण किया जाना सुनिश्चित हो नियम विरोध भुगतान किया जाना है तो आनंद सावितरण अधिकारी लेखापाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा व्यय की गई राशि का उपरोक्त प्रमाण पत्र संचालनाय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यह राशि अतिथि शिक्षकों का जो माह मई जून के मानदेय भुगतान हेतु जारी की जा रही है मानदेय विहयक आप देख सकते जी एफ ए एम सॉरी फ्रेंड जी एफ एम एस पोर्टल जनरेट हो सकता है होगा यानी गैस फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर अपडेट की जाएगी जो भी अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत थे अजय कुमार हम देख सकते हैं संयुक्त संचालन वित्त लोक शिक्षण के द्वारा आदेश पेश किया गया है ये पितिलिपियाँ महाप्रधान आला लेखापाल आप देख सकते हैं विकास खंड शिक्षा अधिकारी समस्त कौशाला अधिकारियों के लिए पेश किया गया तो वीडियो फ्रेंड्स से आपको अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए अतिथि शिक्षक के संबंध में कोई भी खबर जानना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भरोसेमंद मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप देख सकते हैं जॉब प्लेसमेंट मुकेश कुमार हंड्रेड के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा और एक से एक वीडियो आप देख सकते हैं समस्या समाधान पा सकते हैं कोई भी विज्ञापन है अतिथि शिक्षक की जानकारी है वो भी आप पेश कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं सीधी कांटेक्ट भी प्राप्त हो जाएगा धन्यवाद दोस्तों